सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं। Did Ukraine try to assassinate Vladimir Putin? Russia accusing Ukraine of trying to assassinate President Putin last night. There has been a failed attempt to assassinate the Russian president. दोस्तों, ये जो लगातार आप सायरन की आवाज सुन रहे हैं, ये यूक्रेन की राजधानी कीव से आ रही है, जहां पर रूस की तरफ से हवाई हमले की आशंका को देखते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल बीते दिन रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें दो फाइटर ड्रोन्स पुतिन के क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स पैलेस के ऊपर आते हैं। इन दोनों ड्रोन्स को रूस की रडार डिफेंस सिस्टम द्वारा क्रेमलिन पार्लियामेंट बिल्डिंग के ठीक ऊपर इस रूसी झंडे के पास मार गिराया जाता है। कुछ ही सेकंड्स में ये खतरनाक फाइटर ड्रोन्स आग के गोले में तब्दील हो जाते हैं। रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है, लेकिन इस ड्रोन हमले और राष्ट्रपति पुतिन को मारने की नाकाम कोशिश के आरोप के साथ ही एक और थ्योरी सामने आ चुकी है, जो यूक्रेन और उसके साथियों द्वारा कही जा रही है। तो क्या है वो थ्योरी, उसे भी आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि क्या अब रूस और यूक्रेन जंग तीसरा विश्व युद्ध बनने वाला है। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले आप जान लो कि एक फाइटर ड्रोन होता क्या है। जब कोई ड्रोन मिसाइल या फिर दूसरे एक्सप्लोसिव मटेरियल से लेस होता है तो इसे फाइटर ड्रोन कहते हैं। जी हाँ, इनमें ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं जो टारगेट को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ड्रोन को रूसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर मार गिराया गया। सीनेट के इसी बिल्डिंग से पुतिन का ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस महज 300 मीटर की दूरी पर है। पुतिन इस हमले से पूरी तरह से सेफ बच गए हैं। वैसे क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स के बारे में भी आपको बता दूं तो इसे आप सिंपली किला समझ सकते हैं, जैसे हमारे राजाओं ने अपने किले बना रखे थे, ठीक उसी तरह से। रूसी क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रपति पुतिन का आवास है, रूस का संसद भवन है और इसके साथ ही रूस के दूसरे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस भी वहीं हैं। इसे हार्ट ऑफ मॉस्को या सेंटर ऑफ मॉस्को कहते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स में ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस भी है, जिसमें एक समय रूस के सम्राट रहते थे और आज ये रूस के राष्ट्रपति का आवास बन चुका है। और इस कॉम्प्लेक्स पर हमला करने का मतलब पूरे रूस पर हमला करना है और इसलिए अब रूस इसे बहुत गंभीरता से ले रहा है। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन पर इस ड्रोन हमले के बाद ही रूस और यूक्रेन की जंग अब निर्णायक होने के साथ ही काफी खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, क्योंकि इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उसके सभी बड़े ऑफिसर्स को मारने का ऑर्डर दे दिया है। पुतिन के इस ऑर्डर के बाद ही अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और दूसरे देशों में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई है, क्योंकि अब रूस का जवाब सबसे खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, रूस के इस कमिटमेंट के बाद पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल आ चुका है। दो देशों के बीच की यह जंग अब तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तक अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे थे, लेकिन वह मदद लिमिटेड थी और कोई तीसरा देश डायरेक्ट किसी के साथ और किसी की तरफ से युद्ध नहीं लड़ रहा था। लेकिन अगर अब रूस ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को मारा या मारने की कोशिश भी की तो हो सकता है कि युद्ध की दिशा बदल जाएगी। ड्रोन हमले की वीडियो को जारी करने के बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव हाई अलर्ट पर है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को डर है कि रूस का हमला अब सीधे उन्हें टारगेट करेगा। राजधानी में रह रहे लोगों को तुरंत वहां से हटाने के लिए भी बोल दिया गया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल हमले को तेज कर दिया था। उसके लगभग सभी बड़े देशों में रूसी मिसाइलों की बारिश की जा रही थी, लेकिन अब युद्ध का मंजर बदल चुका है, क्योंकि अब मिसाइलों की ताबड़तोड़ बारिश बहुत तेज हो चुकी है। यूक्रेन के शहर खेरसोन में लगातार मिसाइलों से हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन मीडिया कीव पोस्ट की तरफ से ट्वीट किया गया कि रूस के मिसाइल्स अब खेरसोन के कई रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, जहाँ पर भारी तादाद में सिविलियंस रहते हैं। खेरसोन के सुपर मार्केट, रेलवे स्टेशन पर रूस ने हवाई हमले किए। रूस के मिसाइल हमलों में खेरसोन में 21 नागरिक मारे गए, जबकि 48 लोग अब तक बुरी तरह से जख्मी हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। दोस्तों, इस हमले के बाद दो थ्योरी सामने जरूर आ रही हैं। एक तो जिसे आपको पहले ही बता दिया गया और जिसे रूस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति को जान से मारने के लिए ड्रोन हमला किया, और दूसरी थ्योरी बिल्कुल इससे अलग है और उसमें रूस की साजिश दिख रही है। इस हमले के पीछे मजबूत वजह यह भी है कि रूस ने यूक्रेन के 30% एरिया पर कब्जा किया हुआ है। रूस की वजह से यूक्रेन बीते 434 दिनों से युद्ध लड़ रहा है और उसके हजारों जवान और नागरिक मारे गए हैं। यूक्रेन के प्रॉपर्टीज का बहुत बड़ा लॉस हुआ है और इसलिए हो भी सकता है कि उसने पुतिन को मारने की साजिश रची हो ताकि वह इस युद्ध को जीत सके। वहीं पर दूसरी थ्योरी ये भी है कि ये हमला खुद रूस ने ही एक प्लानिंग के तहत करवाया हो ताकि इससे वह यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज पर दबाव बना सके और इसके साथ ही उसे यूक्रेन पर एक तरह से खुलकर कार्रवाई करने का मौका मिल जाए। रूस किसी भी तरह से यूक्रेन पर जीत दर्ज करना चाहता है। हो सकता है कि रूस ने खुद ही क्रेमलिन पर हमला कराया हो। यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ मिलकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हत्या करना चाहता है।
वे इसी को आधार बनाकर यूक्रेन के खिलाफ हाई लेवल वॉर करना चाहता है। अब अगर रूस यूक्रेन पर कोई बड़ा हमला करता है तो यही कहा जाएगा कि यूक्रेन ने पुतिन की हत्या करने की साजिश रची थी और रूस ने सिर्फ अपना बदला लिया है, क्योंकि इसके बाद दुनिया इस पर कोई आरोप भी नहीं लगा सकती। जी हाँ, लेकिन इन दोनों थ्योरी के बाद आपको बता दूं कि यूक्रेन की तरफ से रूस के इस दावे को कि यूक्रेन ने पुतिन को मारने की कोशिश की है, यूक्रेन ने इसे पूरी तरह से इनकार कर दिया है। यूक्रेन का कहना है कि ना ही क्रेमलिन को टारगेट किया गया है और ना ही पुतिन को मारने की साजिश रची गई है। दोस्तों, पुतिन पर जब ड्रोन हमले की बात हो गई है तो आपको यह भी जान लेना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कैसे सुरक्षा दी जाती है। कहा जाता है कि पुतिन दुनिया के उन बड़े लीडर्स में से एक हैं जिनकी सिक्योरिटी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पुतिन अगर किसी फंक्शन में शामिल होते हैं तो पूरे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है और दूसरे लोगों की भी हाई लेवल की जांच की जाती है। प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस यानी कि पीएसबी की जिम्मेदारी रूसी राष्ट्रपति, वहां के प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली वालों के सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। इसके साथ ही राष्ट्रपति सैकड़ों हाईली ट्रेन बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं। ये बॉडीगार्ड्स राष्ट्रपति को 24 आवर्स की सिक्योरिटी देते हैं, जिन्हें भेदने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उन्हें खाने पीने के लिए जो भी दिया जाता है वह सिर्फ उनकी टीम ही लाती है और पहले उनके टीम के मेंबर उसे खाते पीते हैं, उसके बाद ही प्रेसिडेंट को दिया जाता है। अगर रूसी राष्ट्रपति कहीं भी जाते हैं तो उनसे पहले उनकी सिक्योरिटी करीब एक महीने पहले ही पहुंच जाती है और फिर एक एक चीजों को डीपली स्क्रूटिनाइज किया जाता है। जब पुतिन किसी भी बड़ी पब्लिक प्लेस या विदेश यात्रा पर होते हैं तो गार्ड्स खुद को चार टीम में बांटते हैं। पहला उनके सबसे करीब होते हैं और सुरक्षा करते हैं। दूसरे गार्ड्स वह होते हैं जिन्हें लोग देख तक नहीं सकते या कहें कि उन पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। तीसरा घेरा भीड़ के बीच होता है और चौथी टीम छतों पर स्नाइपर से नजर रखती है। इतना ही नहीं, पूरे क्रेमलिन कॉम्प्लेक्स में फोन का यूज बैन है, क्योंकि पुतिन खुद मोबाइल फोन का यूज नहीं करते। ऐसा कहा जाता है कि फोन को जासूसी के डर से बैन किया गया है। पुतिन से संबंधित सभी रूसी बिल्डिंग्स के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। यह सिस्टम दोस्तों हवा में उड़ने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स को कुछ ही सेकंड्स में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अब सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि जब रूसी बिल्डिंग इतनी सेफ है तो ड्रोन पुतिन के इतने करीब कैसे पहुंच गया। इससे रशियन सिक्योरिटी को संभालने वालों पर भी शक जाता है, वे कितने एक्टिव रहते हैं उस पर भी सवाल खड़ा होता है। वैसे दोस्तों, आप सभी लोग इस फैक्ट को तो जानते ही होंगे कि फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन के बीच जो जंग शुरू हुआ था उसे अब करीब 440 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है कि इस युद्ध में किसकी जीत हुई है। सिर्फ हुआ है तो बर्बादी, और ये बर्बादी दोनों तरफ की है, लेकिन यूक्रेन की बर्बादी कुछ ज्यादा ही हुई है। यूक्रेन के सैनिक सहित मासूम नागरिक भी मारे गए हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत अपने मोबाइल फोन पर मिल जाएं।